नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। फाजिलका की बॉर्डर रोड को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से आज बीएसएफ की 52 बटालियन द्वारा पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इससे पहले बीएसएफ की 52 बटालियन द्वारा अपने स्तर पर कैंपस के अंदर तथा बाहर व अन्य चौकियों पर पौधारोपण अभियान पिछले एक महीने से शुरू किया गया है। फाजिलका में बॉर्डर रोड को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से बीएसएफ की 52 बटालियन द्वारा आज से बॉर्डर रोड पर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान में दो संस्थाओं रोबिन हुड आर्मी तथा एक अन्य संस्था का साथ बीएसएफ द्वारा लिया गया है। दिखा से बीएसएफ की 52 बटालियन के कमांडेंट खानेंद्र चौधरी की अगुवाई में यह अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। खानेंद्र चौधरी द्वारा लगातार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। उनके द्वारा स्विस एक्शन प्रोग्राम चलाए गए। इसके साथ ही फाजिलका की बॉर्डर रोड को प्लास्टिक मुक्त बनाने का अभियान भी उनके द्वारा शुरू किया गया, जो कि आज पूरी तरह से सफल हो चुका है। फाजिलका की बॉर्डर रोड को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा चुका है। इसके साथ ही अब फाजिलका की बॉर्डर रोड को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से यहां पर पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है। आज पहले दिन 750 पौधे यहां पर लगाए गए। इस पौधारोपण अभियान में यूथ हेल्पर संस्था भी बीएसएफ का सहयोग कर रही है। इसके साथ ही नगर कौंसिल द्वारा ट्री गार्ड भी बीएसएफ को उपलब्ध करवाए गए हैं। वन विभाग द्वारा बीएसएफ को पौधे भी उपलब्ध करवाए गए हैं। दिखवा से बीएसएफ की 52 बटालियन द्वारा कमांडेंट खनेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इस पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। इस पौधारोपण अभियान के तहत 2500 पौधे लगाए जाने हैं, जिसकी शुरुआत आज की गई है। दिखवा से यहां पर पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है। आपको लाइक और दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। इस पौधारोपण अभियान में कमांडेंट खनेंद्र चौधरी के साथ साथ द्वितीय कमान अधिकारी रामेश कुमार, डिप्टी कमांडेंट अविनाश कौशिक, शमशेर सिंह डिप्टी कमांडेंट जेके सिंह, एसएम अमरेश कुमार, इंस्पेक्टर सुभाष कुरी, सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र, बीएलओ एएसआई राजबीर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। इनकी अगुवाई में बीएसएफ जवानों तथा समाज सेवी संस्था रोबिन हुड आर्मी तथा यूथ हेल्पर्स द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। आपको लाइक और दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। फाजिलका के बॉर्डर रोड पर बीएसएफ की 52 बटालियन द्वारा शुरू किए गए पौधारोपण अभियान के तहत आज 750 पौधे यहां पर लगाए गए। इसके साथ ही ट्री गार्ड भी पौधों पर लगाए गए, ताकि पौधों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। बीएसएफ द्वारा लगातार बॉर्डर रोड को सुंदर बनाने के उद्देश्य से प्रयास किए जा रहे हैं। इनके द्वारा आज से पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। पौधारोपण अभियान में बीएसएफ की महिला कर्मचारियों द्वारा भी अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया गया। देखभाल से बीएसएफ के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। पौधारोपण अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है। फाजिलका में बीएसएफ की 52 बटालियन द्वारा लगातार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आपको लाइक और दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। प्रयास बीएसएफ द्वारा किए जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी सर? तो एक्चुअली हमारा हायर हेडक्वार्टर और एमएससी से मिला था कि हम एक प्लांटेशन ड्राइव चलाएं, ताकि ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया इस मुहिम में बीएसएफ की भागीदारी बने। उसके तहत 52 बीएसएफ की तरफ से हमारा ये हमने प्लांटेशन कर रहे पिछले लगभग एक महीने से। आपने देखा होगा मेरे लेफ्ट साइड में, वहाँ ऑलरेडी हमने लगा रखा है, लगभग 200-250 पेड़ हमने ऑलरेडी वहाँ लगाए हैं। और आज भी ये 700 पौधे हमने लाया है, उनमें यहाँ इसी डिवाइडर में हमने लगभग प्लान किया है ये 150 करीब, और बाकी उस साइड में भी कुछ लगाया मेरे राइट साइड में, और बाकी हमने पेरीमीटर में लगा रहा है। कुछ बॉर्डर इलाका में भी हमारा प्लांटेशन चल रहा है साइमल्टेनियसली। तो हमारा टारगेट है 2500 से 3000 कम से कम पौधे लगाया, और इसमें हमारा सोशल फॉरेस्ट्री ने हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमको काफ़ी मदद किया, और ये जो फाजिलका का म्यूनिसिपैलिटी उन्होंने भी हमको मदद किया।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हमको ये ट्री गार्ड मिला और इससे ये हमारा जो पौधे हमने प्लान किया है इसको प्रोटेक्ट करने में हमको काफ़ी मदद मिला है। तो कुल मिला के हमारा मेन एम है इस इलाका को हमने ग्रीन एरिया बनाए और इसमें हमने ऑलरेडी नो प्लास्टिक जोन डिक्लेयर करके रखा है। हमने यहाँ कोई किसी को प्लास्टिक फेंकने की जरूरत नहीं देते, फोर्स पर्सनल तो फेंकते ही नहीं है, बाकी सिविलियन को हमने डिस्करेज करते हैं प्लास्टिक ना फेंके। और प्लस बाकी जो आपने देख रहे हैं आपके सामने ही है हमारा प्रयास और इस प्रयास में कितना कामयाब होते हम देखते हैं, ताकि आप लोग का सहयोग का जरूरत पड़ेगा। और आप लोग सर कितने दिन तक ये अभियान जारी रहेगा? कितने कोई लिमिट नहीं है, बेसिकली ड्यूरिंग द रेनी सीजन हमको ये प्लांटेशन करना है। तो अगले रेनी सीजन जब तक खत्म नहीं होते, अगस्त एंड तक जब तक खत्म नहीं होते तब तक ये जारी रहेगा। तो हमारा मिनिमम टारगेट है 2,500 से 3,000, उसके ऊपर कितना लगा सकते हैं दैट इज फाइन, तो बट मिनिमम है 2,500 से 3,000 हमको लगाने लगा ये हमारा। सर जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो लोग पर्यावरण से प्रेम करते हैं, उन्हें आज हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या आप संदेश देना चाहेंगे? तो मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर इफ यू सेव द ट्री यू विल सेव द आर्ट। तो आपको अगर दुनिया को बसाना है तो पेड़ को बसाओ और पेड़ लगाओ। बाकी कुछ NGOs भी हमारे साथ एसोसिएटेड है, वो लोग भी इस प्रयास में लगे हुए हैं, तो उन लोग भी हमको मदद कर रहे थे। जैसे कोऑर्डिनेशन में फाजिल का म्यूनिसिपैलिटी के साथ कोऑर्डिनेट करने में ये लोग भी हमको मदद किया है। एक NGO है रोबिनहुड करके, इन लोगों का कुछ मेंबर है, उन लोगों ने भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और हमारे साथ काफ़ी सहयोग किया है। और इन लोगों की मदद से ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ पहले तो कोऑर्डिनेशन भेजा और बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमने पर्सनल लेवल पर भी लैस किया और जिसमें हमको ये मटेरियल वगैरह जो ये प्लान वगैरह है हमको बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमने दिया।